नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। सबसे पहले होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, और आपका जीवन हमेशा रंगों होली के रंगों की तरह रंगीन रहे। तो आज हमारा जो नया टॉपिक होगा वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर होगा। तो शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, जो कि आपके सभी कंपटीशन यानी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा और परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला, और इसमें इसी से ही जो एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं। तो शुरुआत करते हैं, अपना नया टॉपिक होगा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसको ऑस्ट्रेलेशिया भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलेशिया भी कहा जाता है, और इनके अलग अलग नामों से जैसे कि ऑस्ट्रेलेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ओशियाना भी कहते हैं इसको। तो एक इसमें पांच भाग हैं, जैसे कि पांच भाग इसमें पहला हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया इसी का ही देश है। ऑस्ट्रेलिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, और इस प्रकार से इनमें पांच देश हैं। और आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसमें जिसको दूसरा नाम के नाम से जैसे कि ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया भी कहा जाता है, और इसमें पांच भाग है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के दो भाग है, एक तो उत्तरी न्यूजीलैंड और एक दक्षिणी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में जो एक दो द्वीप है और बीच में अलग करने वाली जल संधि का नाम है कुक जल संधि। और उसके बाद पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया। तो आज हम शुरुआत करेंगे ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में जानेंगे उसकी राजधानी कौन सी है। तो राजधानी है उसकी कैनबरा, और उसी ऑस्ट्रेलिया देश में एक बंदरगाह स्थल है जिसका नाम है ब्रिस्बेन। साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थन टेरिटरी। और इनकी राजधानी हम बात करें तो सबसे पहले क्वींसलैंड की राजधानी होगी ब्रिस्बेन, और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी होगी सिडनी, और उसके बाद विक्टोरिया जिसकी राजधानी है मेलबर्न, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलैंड, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ, और सबसे अंतिम जो राज्य है या प्रांत है उसका नाम है नॉर्थन टेरिटरी जिसकी राजधानी है डार्विन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं उसके नाम आपको समझाएंगे। इस प्रकार से सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पर्वतों में बात करें तो सबसे पहला जो पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत ऑस्ट्रेलिया का है, उसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। तो उसका नाम हो जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि विश्व की सबसे चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो पहले की बात करें तो रॉकी पर्वत श्रृंखला, दूसरी एंडीज पर्वत श्रृंखला, और तीसरी जो हिमालय है वो भारत में स्थित है, और चौथी है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके बाद दूसरी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है मैकडोनाल्ड रेंज, उसका नाम है मैकडोनाल्ड रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तीसरी पर्वत श्रेणी का नाम है रेनॉल्ड रेंज, रेनॉल्ड रेंज, जो कि यह भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जिसकी राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं या फिर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और उसके बाद दूसरी है मैकडोनाल्ड रेंज, तीसरी है रेनॉल्ड रेंज, और उसके बाद है ग्रे माउंटेन और ब्लू माउंटेन, ग्रे माउंटेन और ब्लू माउंटेन, जिससे मोरे डार्लिंग नदी का उद्गम होता है, चौथी है वो ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पर्वत श्रेणियों के नाम हो गए। पहले आपको सबसे पहले देखो तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि विश्व की सबसे चौथी लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरी है मैकडोनाल्ड रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तीसरी है रेनॉल्ड रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और चौथी है वो ग्रेट माउंटेन, और पांचवी है ब्लू माउंटेन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वतों के बाद नदियों के बारे में पूछा जाता है, तो नदियों की बात करेंगे तो सबसे पहले नदियां हैं आपकी विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया नदी जो कि आपके किम्बरले की पठार, विक्टोरिया नदियां, जैसे सबसे पहले विक्टोरिया नदी। ऑस्ट्रेलिया की नदियों के बारे में बात करें तो विक्टोरिया नदी जो कि किम्बरले के पठार से निकलती है, किम्बरले के पठार से, किम्बरले के पठार से निकलती है, और इसका जो अंतिम स्थल है जोसेफ बोनापार्ट का पठार या जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, यानी इसका उद्गम होता है वो किम्बरले के पठार से होता है। विक्टोरिया नदी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है और उद्गम है किम्बरले के पठार, और अंतिम स्थान है वो जाके गिरती है वो जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद मुर्रे डार्लिंग नदी है, दो नदियों का संगम होता है मुर्रे डार्लिंग, दो नदियां हैं, मुर्रे नदी निकलती है वो ग्रे माउंटेन से निकलती है, और डार्लिंग नदी है वो ब्लू माउंटेन से निकलती है। एक का नाम है ग्रे माउंटेन, ग्रे माउंटेन, उसके बाद दूसरे का नाम है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन से
डार्लिंग नदी निकलती है और ग्रे माउंटेन से मोरे नदी निकलती है और इनके बीच का जो भूभाग होता है वो गेहूं के लिए उपजाऊ माना जाता है। तो गेहूं के लिए उपजाऊ माना जाता है और इसको कहा जाता है रेवेरीना। भूगोल की भाषा में कहें तो इसको रेवेरीना कहा जाता है। और ग्रे माउंटेन और ब्लू माउंटेन के से ही जो मुर्रे डार्लिंग नदियां निकलती है उनके बीच का जो भूभाग है उपजाऊ भूभाग है जो गेहूं के लिए उपयोगी है या उपयुक्त है और उस उपजाऊ भूभाग को ही रेवेरीना कहा जाता है। और ये अंत में दोनों नदियां स्पेंसर की खाड़ी में जाके गिर जाती है। स्पेंसर की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में दो नदियां हो गई, एक का नाम है विक्टोरिया नदी, दूसरे का नाम है मुर्रे डार्लिंग नदी। विक्टोरिया नदी किम्बरले के पठार से निकलती है और अंतिम स्थान इसका जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में जाकर मिल जाती है या वहां जाकर गिर जाती है। उसके बाद मुर्रे डार्लिंग नदी, मुर्रे नदी ग्रे माउंटेन से निकलती है और डार्लिंग नदी है वो ब्लू माउंटेन से निकलती है और इनके बीच का जो भूभाग होता है, जलवायु का भूभाग या उपजाऊ भूभाग होता है वो गेहूं के लिए उपयुक्त होता है और उसको रेवेरीना कहा जाता है। अंत में दोनों नदियां स्पेंसर की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल है उनके बारे में बात करेंगे। नदियां हो गई, उसके बाद मरुस्थल। मरुस्थलों में सबसे पहले आपका ग्रेट विक्टोरिया, मरुस्थल का नाम है ग्रेट विक्टोरिया। उसके बाद है ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट सिम्पसन। उसके बाद है ग्रेट सैंडी। तो ये इस प्रकार से आपके ऑस्ट्रेलिया में 3 से 4 मरुस्थल है जिसके नाम ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट तनामा। ग्रेट तनामा, तनामी भी कह सकते हैं या तनामा भी कह सकते हैं। तो मरुस्थल हो गए, तो मरुस्थलों में पहला है आपका ग्रेट विक्टोरिया, उसके बाद दूसरा है ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट सैंडी और हमें ब्रिस्बेन, उसका नाम रहेगा ब्रिस्बेन, जिस जो कि आपकी एक प्रांत है क्वींसलैंड जिसकी राजधानी माना जाता है और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख बंदरगाह है।